ब्रांडिंग चेक करो भाई, ब्रांडिंग चेक करो। माशाल्लाह अभी खुला नया, रिसेंटली ओपन हुआ है ये रेस्टोरेंट। रेंटल एंड यूज कार सयारती का पूरा सेटअप है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि तमाम वीडियोस जो मैं बनाता हूं वो ओमान में बिजनेस के हवाले से बनाता हूं, जॉब्स का उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम बिजनेस को यहां पर जो ओमान में 100% ऑनरशिप की अपॉर्चुनिटी दी गई है सुल्तानात ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में बताते हैं, और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ये चीजें होती हैं। तो भाई, दिन की शुरुआत कुछ यूं होती है, एक मैसी सी गाड़ी और उसमें हम निकलते हैं अपने कामकाज के लिए। अल्लाह पाक का नाम है जिसमें सुभान अल्लाह सखर नाजम इन्ना इला रब्बिना लम कालिबून। आज भाईजान लॉन्ग अवेटेड कुछ काम थे जो कि हमारे पेंडिंग थे, आज वो निपटाने इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो यहाँ पर जो है ना वो स्टक हो जाती हैं, कोई आईटी के इश्यूज, कोई इस तरह के, तो उसको निकलवाने में ना वो हमको तरतीब पता है कि किस तरह से वो हमने निकाल लें। क्योंकि हमें बहुत लंबा टाइम हो गया यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो हमारे ओमानी जो PROs हैं, जो हमारी टीम है, वो एक्सपर्ट है, हाईली एक्सपर्ट है, हाईली मतलब हल्की फुल्की नहीं, हाईली एक्सपर्ट है, और दे नो ऑल दीज थिंग्स, प्रॉपर चैनल उनको पता है। तो भाई, ये प्यारा सा अल-ख़ैर का एरिया जहाँ पर हमारा ऑफिस भी है, हम लोग अभी इंटर हो गए अल-ख़ैर में और जाते हैं पहले एक ऑफिस, फिर दूसरे ऑफिस, उसके बाद फिर मजीद एक्टिविटीज के लिए। तो ये है जी प्यारा सा ओमान, सुकून वाला, अमन वाला। ये एमिरेट्स गिफ्ट सेंटर है, बहुत अच्छी यहाँ पर चीज़ें रीजनेबल रेट्स पर मिल जाते हैं, अच्छा बिजनेस है ये। दिखाने का मतलब आपको ये कि बिजनेस अच्छा है ये एरिया। रात को आप तकरीबन 2 बजे भी आओगे ना तो आपको चहल पहल यहाँ पर मिलेगी खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर, ये तुर्किश वगैरह, ये खुले रहते हैं, मतलब रात भर खुले रहते हैं। ये बच्चों का एक प्ले एरिया वगैरह है यहाँ पर, और ये यहाँ पर है ग्रॉसरी शॉप, सुपर मार्केट्स वगैरह टाइप स्पार है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें बैंक्स वगैरह, एक्सचेंजेस वगैरह, बड़ी गाड़ियों का ये काम है यहाँ पर, जो पिकअप्स वगैरह होती हैं। तो भाई, आ गए हम पंप पे, क्योंकि अपना पेट भरने के साथ साथ गाड़ी का पेट भरना भी बहुत ज़रूरी है। और तो यहाँ पर तेल की कीमतें देख के भाईजान दिल खुश हो जाता है कसम से। एक बार तो मतलब दिल चाहता है कि बस झूम उठें। अच्छा भाई, ये दुकानें अभी यहाँ पर नहीं खुली हैं, पहले नहीं थी ये दुकान। अच्छा भाई, ये रामेज मॉल है यहाँ का, ये एवेन्यू मॉल है यहाँ का बड़ा, और ये है यहाँ का जी ग्रैंड मॉल। ये तीन बड़े मॉल्स हैं यहाँ पर जो इस छोटे से एरिया के अंदर पाए जाते हैं, और ये अभी नए कुछ अभी बन रहे हैं, नाइट सेंटर्स वगैरह ये। और सामने है जी हुबरा का इलाका, मेन अल-हुबरा। सो अभी हम जा रहे हैं, सर ये पूरा मॉल ही चल रहा है अभी तक, एवेन्यूज मॉल चल रहा है अभी, और वो सामने है हॉस्पिटल। तो अब हम पॉशर से निकल के हुबरा की तरफ जा रहे हैं, ये हुबरा का इलाका है, और यहाँ पे ब्रिजेस वगैरह ये वो थोड़ा काम शाम चल रहा है, ये वाला जो डायरेक्ट आइकिया और लुलू के अंदर जाएगा। ये लाइन से देखो भाई, सारे शोरूम्स हैं, सब शोरूम्स हैं लाइन से नज़र आ रहे हैं। अल-हुबरा का इलाका है ये, और अब हम जा रहे हैं अल-अज़ीबा की तरफ, अल-हुबरा से मेन सुल्तान काबूस रोड से अल-अज़ीबा। अच्छा, यहाँ पे इस गली में इस पंप के साथ जो हुबरा वाला इंडियन स्कूल है ना, इंडियन स्कूल मस्कत, वो एक इधर है इस गली में हुबरा में, और ये सामने ग्रैंड मॉस्क भी है, और उसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी है। तो भाई, ये यहाँ पर है शोरूम्स और एक्सप्रेस सर्विस सेंटर्स। ये मित्सुबिशी का है, ये MG का है, यहाँ पर पूरा MG चल रहा है, और इसके सामने उस तरफ वॉक्सवैगन, ऑडी वगैरह का है, ये सारे हुबरा में। ऑफिस है, हमारा रिसेप्शन है, और ये है वो जगह जहां मैं बैठता हूँ भाई, मेरे ऑफिस में। यस, दैट्स माय सीट। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफिस में आया हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो ओमान आ गए हैं या आना चाह रहे हैं या ओमान में रहते हैं ऑलरेडी। दो चीज़ों पर इस वक्त फुल थ्रॉटल में काम हो रहा है, बल्कि तीन चीज़ों पर। एक तो बिजनेस पर, बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऑबलाइज किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है बिजनेस के लिए, जो मतलब सहूलियात हैं वो फ्राहम की जा रही है ओमान गवर्नमेंट की तरफ से, फुल थ्रॉटल में इस वक्त जो है वो काम चल रहे हैं। नंबर दो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितने भी लोग इल्लीगल सारे लोगों को आगे पीछे, ये जो सारा मामला चल रहा है इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और बहुत पकड़ धकड़ इसके ऊपर हो रही है। नंबर थ्री, जो मेन चीज़ है, मैं आपको एक इंटीमेट करना चाहूँगा, स्पेशली वो तमाम लोग जो छोटे से अपने कारोबार कुछ करना चाहते हैं सुल्तानात ओमान, छोटे से बिल्कुल माइनर से, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग हमें कहते हैं यार हमारे पास ज़्यादा फंड नहीं है, हम क्या करें। देखो मेरे भाइयों, अगर तो आपने सिर्फ अपनी जान और अपने बच्चे पालने हैं यहाँ पर, देखो अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 200 रियाल की भी अपने बिजनेस से कमाई कर लेते हो ना, छोटा सा कोई आप अपना नान तंदूर की शॉप, छोटा सा अपना कोई कैफेटेरिया वगैरह अगर आप खोलते हो,
और 200 रियाल आप कमा रहे हो। तो 200 रियाल का सीधा सीधा मतलब है कि आप 1.5 लाख रुपए से ऊपर अपने मुल्क के पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कमा रहे हो, और इंडिया के भी जो है वो तकरीबन कोई 45-50 हजार रुपया बन जाता है। तो वो आप इजी है अगर आप खुद बैठते हो, खुद बैठ के इज्जत से अपना रोजगार कर सकते हो यहाँ पर इस तरह की चीजों में। कहीं भी गली मोहल्ले के अंदर आप छोटी सी दुकान लोगे और उसके बाद जो है वो आप अपना वहां पर माल वगैरह डाल के 2 से 2.5 हजार रियाल के अंदर अंदर, ये छोटी छोटी जो दुकान है ना, ये आपकी 2 से 2.5 हजार रियाल के अंदर अंदर आराम से हो सकती है, आराम से हंस खेल के। इससे ज्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका इसके अंदर। लेकिन इसमें क्या है कि एक सुकून है, एक चैन है, मतलब आप एक ऐसे मुल्क में कर रहे हो जहां पर आपकी करेंसी बढ़ेगी, आपका रुपया डेप्रिशिएट नहीं होगा, और ये जो पीस ऑफ माइंड है ना, ये वर्थी है। मेरे यहां पर रहने का सिर्फ यही एक मकसद है और यही एक वजह है कि एक तो इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मामला है सारे। आप देखो, इमोरल एक्टिविटीज करने पर 5 लोगों को अरेस्ट किया आरोपी ने। इमोरल से मुला दिए कि कुछ है यहाँ पर अलखैर के एरिया में, स्पेशली जहाँ पे मेरा ऑफिस है इससे थोड़ा सा दूर, कुछ खवातीन जो हैं वो इस तरह की ड्रेस वगैरह, मतलब कुछ मामला होते हैं तो उनको फौरन पकड़ लिया जाता है। ये दूसरे ममालिक की तरह नहीं है बस खुला घूम रहे, ठीक है जो कर रहे हो करने, नहीं, यहाँ पर कोई भी इमोरल एक्टिविटी होगी उसको फौरन अरेस्ट करके उसको पब्लिश किया जाता है बाकायदा। जैसे ये अखबार की न्यूज है, मेरी घर की न्यूज नहीं है। इसी तरह गैम्बलिंग करने पर इसकी के अंदर जो है वो 9 लोगों को पकड़ा है जो अपने रेजिडेंस के अंदर जो है वो गैम्बलिंग वाला सारा मामला चला रहे थे, मतलब ये जो जुआ शुआ सारी तरतीब होती है ये। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस मुआशरे को, इस कंट्री को इंटैक्ट रखती हैं और इसकी जो इकदार हैं, इसके जो इस्लामी और इसके जो मामलात हैं उनको जाने नहीं देती आज से। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ओमान में क्योंकि कंट्रोल है बहुत, आबादी इसकी इतनी ज्यादा भी नहीं है, हर चीज यहां पर कंट्रोल्ड है, तो इसीलिए यहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतरीन है और यहां पर कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ उफ तक नहीं कह सकता फजूल बात पे, मतलब कोई भी बात जैसे लड़ाई झगड़ा और ये वो इस तरह नहीं है। कुछ लोग हैं अगर आप उसकी कंप्लेन करो तो फौरन उनके ऊपर जो है वो एक्शन होता है, क्योंकि इन चीजों की टॉलरेंस नहीं दी जाती यहां पर। इसी वजह से ये सोसाइटी, ये जो मुआशरा है ये बेहतरीन है फॉर लिविंग, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं यहां पर रहना। और ये सारी चीजें जो आपको मैं बताता हूं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बिजनेस इस वक्त ओमान में बहुत बेहतरीन जा रहा है, और मैं कुछ लोगों से भी आपको इंशाल्लाह मिलवाऊंगा जो यहां पर आए हैं और अपनी चीजें ढूंढ रहे हैं। मतलब एक दुकान वो देखते हैं और फौरन वो कॉल करके जब पहुंचते हैं तो पता चलता है तब तक वो चली गई, वो नहीं रही प्रॉपर्टी, वो समबडी हैज ऑलरेडी टेक इट। सो ये वो सारी चीजें हैं, और ये बूम जो मैं कहता हूं ना, बूम कर रहा है, ये वजूहात है कि अभी लोग आ रहे हैं यहां पर, दमादम न्यू चीजें खुल रही हैं, नए नए कारोबार खुल रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपने मामलात बना रहे हैं। तो आप इस वक्त में अगर ये बनाएंगे अपने मामलात तो दैट गोन बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर लाइक आने वाली नस्लें तक आपका सारा मामला सही रहेगा। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, बाकी रोजी का राजी रब है, जिसके मुकद्दर में जितना लिखा हुआ उसको मिलना है। नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अगर आप भी यहां पर सेटअप करवाना चाहते हैं अपना तो प्लीज जरूर रब्ता करें, और आपको जो भी गाइडेंस होगी, जो भी चीजें इंशाल्लाह होगी, आपको जरूर जरूर गाइड किया जाएगा प्रॉपरली, क्योंकि हम चाहते हैं जो हम खुद अपने लिए यहां पर कर रहे बैठे हुए हैं तो लोग भी यहां पर आए इंशाल्लाह और वो अपने मामलात को बनाएं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को डिस्करेज करते हैं, लोगों को बोलते हैं नहीं 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 आना भाई, ऐसे हो रहा है, हम तो बस खुद भी बेचारे हम ऐसे। तो भाई तुम फिर खुद क्यों हो यहाँ पे? आप उन लोगों से सवाल क्या करो, जब इतने बुरे मामलात हैं तो तुम खुद यहां क्या कर रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं जाते अपने मुल्क वापस? बस सिंपल सा इतना सा उनको पूछा करें, क्योंकि मैंने ये मेजॉरिटी नोटिस किया है। इनफैक्ट हत्ता मैं अमेरिका में भी था, यूके में भी था, जो जाए वो नहीं जी नहीं, बस यहां तो हम बस तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हम तो यहाँ पे, बस हम तो हमारी तो मजबूरी है, हमें तो बस रहना पड़ा। भाई ऐसी क्या मजबूरी है, मतलब तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा घूम रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, जब तुमसे कोई बोल पूछता है कि यार मैं यहाँ पे आ जाऊं तो तुम बोलते हो ना ना नहीं आना नहीं आना, ये क्या बात है, ये तो भाई मुनाफ़त है सीधी सीधी। तो मेरा काम ये, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाता, अच्छा पहनता, अच्छा घूमता, अच्छा मेरा एक यहाँ पर सेटअप है अल्लाह पाक के हुक्म से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई दोस्त और जो मेरे देखने वाले हैं वो भी यहाँ पर आए, अपना एक अच्छा सेटअप बनाए। तो बाकी देखें, रोजी का राजी रब है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। आप यहाँ हैं, ये बेहतरीन मौका है सल्तनत ओमान ने जो गवर्नमेंट ने दिया है लोगों को अपना कारोबार करने का। 100% आप मालिक होगे, कोई आपका कफील, कोई अरबाब नहीं होगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे सल्तनत ओमान में 15 दिन के अंदर अंदर 100% ओन पे, मतलब आप खुद अपने चेकबुक साइन करोगे, खुद अपनी सारी तरतीब करोगे। सो ये वो चीज़ें, ये वो सहूलियात है जो मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भाई देखने वाले हैं वो इससे फायदा जरूर जरूर उठाए। पता नहीं ये कब बंद कर दें दोबारा से, फिर शायद आपको ये मौका मिले ना मिले। तो इससे जल्दी आप अगर कर सकते हैं इन्वेस्ट तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान ब्रदर। दुआओं की दरख्वास्त, अपना और अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।